Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शबीर और आप देख रहे हैं सैटेलाइट इन्फो। आज मैं आप दोस्तों के साथ एक छोटी सी अपडेट लेके आया हूं न्यू सेट NS560D+3G वाईफाई या रिसीवर है, और इसके अंदर हमें फ़ायदे कितने क्या मिलते हैं और कितने चैनल स्टोर कर सकते हैं और इसकी प्राइस क्या है, उसकी मुकम्मल डिटेल और अनबॉक्सिंग करेंगे। और वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सैटेलाइट इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि हम यूट्यूब के ऊपर जो नई से नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ आती है उसकी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ताकि आपको इसकी मालूमात मिल सके। जो डिश यूज़र हैं, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, उसके अलावा किसी दोस्त भाई को कोई भी काम किसी भी मतलब डिश की लेटेस्ट हो तो हम हाज़र हैं, वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो चलें जी इसकी डिटेल बताते हैं। ये न्यू सेट NS560D+3G फुल HD 1080, ठीक है जी। उसके बाद ये डिजिटल सैटेलाइट ये रिसीवर है। उसके बाद इसमें हम 8000 चैनल स्टोर कर सकते हैं। पहले जो मॉडल आए थे उनके अंदर सिर्फ 5000 चैनल स्टोर करने की ऑप्शन थी, इसके अंदर 5000 चैनल स्टोर करने की ऑप्शन आ रही है। 8000 कर दी है, पहले 5000 थी, अब 8000 चैनल स्टोर कर सकते हैं। EPG की ऑप्शन है। उसके अलावा MPG4 H264 RSS2 जो है वो 264 और PVR इसके अंदर है 1080 पिक्चर। जूम कर सकते हैं, USB लगा सकते हैं, मल्टीमीडिया सेटिंग मुकम्मल इसके अंदर है, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक साल का हमें 95 डिग्री डिश टीवी का 4 आवर जो सर्वर है एक साल का एक्टिव होता है, और मैं इसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आप दोस्तों के साथ जी। तो हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें एक अदद इसका जो रिमोट है वो मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास रिमोट है। देखें जी, IPTV वगैरह भी इसके अंदर चल सकता है, शेयरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा साल की शेयरिंग इसके अंदर अपनी मौजूद होती है इसमें, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें इसकी AV LED की तो बहुत ही ज़बरदस्त AV LED हैं। उसके अलावा अगर इसकी बैटरी सेल की बात करें तो वो भी इसके अंदर बैटरी सेल वगैरह भी निकलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें इस रिसीवर की जो इसके अंदर से निकलता है तो उसकी भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे AV IN वगैरह की ऑप्शन है इसके अंदर। ये सबसे पहले अगर बात करें हम इसकी ऊपर से जो केबल की तार आती है डिश एंटीना की, इन और ये आउट, और उसके अलावा HDMI पोर्ट, उसके अलावा AV पोर्ट, उसके अलावा USB की पोर्ट, उसके अलावा ये इसकी पावर केबल ऑलरेडी साथ आपको पता होती है। और उसके अलावा अगर बात करें इसकी बटन ऑन ऑफ का भी पीछे लगा हुआ है। अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो अच्छी बॉडी है इसकी। उसके अलावा इसकी फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रंट के ऊपर अगर रिमोट ख़राब हो जाता है तो हम रिमोट से भी काम ले सकते हैं। पावर का बटन है यहाँ पे, मेन्यू का बटन है, ओके का बटन है, चैनल चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा कम कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये मॉडल है। इसके अंदर से हमें जो है वो एक साल का 95 डिग्री का मुकम्मल सर्वर मिलता है, और मैं आपको इसका जो है डिस्प्ले भी चेक करवा देता हूं और इसका मेन्यू भी चेक करवा देता हूं कि इसका मेन्यू जो है वो किस तरह का है। तो चले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं जी। तो ये देखें जी, इसका डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले है, देख लें 1506 वाला ये डिस्प्ले है। मैं मुकम्मल इसकी डिस्प्ले चेक करता हूँ। देखिए मल्टीमीडिया सेटिंग है, मल्टीमीडिया यूट्यूब वगैरह इसके अंदर चला सकते हैं, पैच शेयरिंग मुकम्मल यानी कि इसके अंदर जो है शेयरिंग का मुकम्मल ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा आपको बाकी सेटिंग दिखा दें कि इसमें और कौन सी सेटिंग है, ये देखें जी। उसके अलावा इसके अंदर जो बाकी सेटिंग है
वो भी बिल्कुल ओके हैं, और उसके अलावा इसकी जो लैन है वो भी देखे बिल्कुल ओके, वर्किंग में जा रही है बिल्कुल ज़बरदस्त ओके है। ज़्यादा देर में चला के दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। और ये एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त मॉडल है।